वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल, आई यू वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक शानदार, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट डे के साथ में। इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्विज देखेंगे और फिर आगे हम लोग न्यूज डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में भी एक क्विज होगा। अगर इस वीडियो को आप लोग टकटकी लगाकर देखेंगे तो वीडियो के एंड के क्विज जो होगा उसको अच्छे से आप लोग आंसर कर पाएंगे, वरना फिर भैया वीडियो के एंड में बेइज्जती होने वाली है, ठीक है? तो बेइज्जती नहीं करनी है, अच्छे से वीडियो देख लेना ताकि उसका आंसर आप लोग अच्छे से कर सको। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे के साथ में, बात की जा रही है यहां पर नेशनल लीगल सर्विस डे। देखिए एक तरीके से अगर आप लोग देखें हमारी कंट्री में जुडिशरी सिस्टम है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो गया, फिर आप लोगों को हाई कोर्ट नजर आएंगे और नीचे आएंगे तो आप लोग सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन अगर कहीं पर भी आप लोगों को जाना है तो यहां पर आप लोगों को अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो उसी के चलते बहुत सारे हमारी कंट्री में ऐसे लोग हैं जिसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसी के लिए उनको लीगल सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके, ये लीगल सर्विस जो डे है, ताकि जो जस्टिस सिस्टम है वो सब तक पहुंचाया जा सके, वो भी रीजनेबल फेयर में, यानी कि उनको ज्यादा खर्च न करना पड़े और हर एक सिटीजन तक जस्टिस पहुंचाया जा सके। तो उसके चलते हमारी कंट्री में नेशनल लीगल सर्विस डे 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो डे था किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया 1995 में, कि हाँ यार ऐसा कुछ होना चाहिए कि हम लोग इस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करा सकें। और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ पर, आप लोगों ने कई बार सुना होगा लोक अदालत का नाम, जो लोक अदालत यानी कि वही जिसकी बात करते हैं हम लोग, सनी देओल की जनता की अदालत, ठीक है? तो वही बात की जा रही है यहाँ पर, देवा की अदालत, जनता की अदालत। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जनता के लिए न्याय किया जाएगा, वहां पर तो जनता न्याय करती थी देवा की अदालत में, यहाँ पर जनता के लिए न्याय किया जाएगा। बेसिकली एक मीडिएशन पैनल के थ्रू से काम किया जाता है। होता क्या है बेसिकली, ये होता है कि एक तो आप लोगों को ज्यादा प्रोसीजर से होकर नहीं गुजरना होता है, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना होता है, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, एक तो किसी भी पर्सन को अगर आप लोग कोई रिजल्ट सुनाना है, कोई आप लोग जजमेंट सुनाना है, तो आप लोग क्या करेंगे, बिना सुने हुए उसके आप लोग जजमेंट नहीं देंगे। दूसरा फंडा ये रहता है कि अपने ही केस में खुद आप लोग जज नहीं बनेंगे, तो नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट फॉलो कर यहां पर इसके थ्रू सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो ये बेसिकली एक आसान तरीका होता है पूरा, जो उस टाइम पर देखेंगे आप लोग एफिडेविट पता नहीं क्या क्या लेकर घूमते रहते हैं जब यहां पर कोई केस चल जाता है, वो सारा फंडा यहां पर नहीं है। आओ बैठो, डिस्कस करो, और मीडिएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहां पर, यानी कि एक दूसरे की सहमति करा दी जाती है। कहीं ना कहीं ये जो नेचुरल, अगर बात करें यहां पर नेशनल लीगल सर्विस के बारे में, जो मैंने लोक अदालत के बारे में बात की है, एक फंडा आप लोग यहां पर ये भी बोल सकते हैं कि ये गांधी जी का कॉन्सेप्ट था। गांधी जी ये बोलते थे अगर आप लोगों को कोर्ट में से जजमेंट आएगा ना, तो देखिए एक इंसान हारेगा दूसरा जीतेगा, तो पूरी लाइफ ता उम्र की वहां पर दुश्मनी तैयार हो जाती है। पर लेकिन अगर आप लोग कोर्ट के बाहर जाकर दोनों मिल बैठकर अपने आप उसको सुलझा लोगे मैटर को, तो फिर वो क्या होगा, वो एक तरीके से सॉल्यूशन ऐसा होगा कि आगे आप लोग के अच्छे एक रिलेशन बन पाएंगे। तो वो हमेशा यही बोलते थे कि कोर्ट के बाहर ही अपने मैटर को सुलझा लो, कोर्ट के अंदर जाने की जरूरत ही ना पड़े, ताकि आगे भी आप लोग के रिलेशन अच्छे बने रहे। तो उसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हुए यहां पर हमारी कंट्री में नेशनल लीगल सर्विस जो डे है ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, ताकि जो जनता तक न्याय को पहुंचाया जा सके। बेसिक फंडा इसके पीछे ये है, ठीक है? तो खासकर वीकर सेक्शन जो सोसाइटी का रहता है उसके ऊपर फोकस दिया जाता है, जो कि यहां पर इस पर्टिकुलर जो सिस्टम है हमारा, जहां पर बहुत अमीर या फिर आप लोग बोलते हैं महंगे जो जज जो यहां पर जो वकील खरीदने पड़ते हैं, तो वहां पर न जाना पड़े, ठीक है? तो इसके बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और एनसीईआरटी में चैप्टर भी है इसके बारे में, आप लोगों को एनसीईआरटी में भी है इसके बारे में काफी कुछ चीजें, और लक्ष्मीकांत में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं, ठीक है? आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं आज के क्विज के बारे में, आप लोगों के सामने क्विज है, इसका आंसर बताइए। सबसे पहले बात की जा रही है इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री डेटा, ये इंडियन लेबर प्रोडक्टिविटी के द्वारा यहां पर तैयार किया गया, तो किससे रिलेटेड है यहां पर, ये कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ऑन ट्रेड पॉलिसी HLAG इसको बोला गया है, इसके द्वारा सजेस्ट किया गया है यहां पर ये कितना पैसा बाहर से हम लोग अपनी कंट्री में ला सकते हैं, और कौन सा बैंक है जहां पर हमारे अकाउंट है जहां से पैसा लाया जा सकता है। बोला ये जा रहा है अगर ये पैसा आता है एलिफेंट बॉन्ड की फॉर्म में, याद रखिएगा एलिफेंट बॉन्ड एक तरीके से ऐसा पैसा अगर हम लोग अपनी कंट्री में लेकर आते हैं, तो यहां पर ना तो टैक्स अथॉरिटी कुछ करेंगे, ना ब्लैक मनी से रिलेटेड मैटर उनके ऊपर कोई चला जाएगा, हमारी कंट्री में डेवलपमेंट के लिए उसको यूज किया जाएगा, और लगभग 40% पैसा जो है वो एलिफेंट बॉन्ड में इनको डालना पड़ेगा। तो ये यहां पर हाई लेवल एडवाइजरी जो ट्रेड पॉलिसी है उसके द्वारा सजेस्ट किया गया। तो ये दोनों एक दूसरे से मिलते हुए ये क्वेश्चन है, दोनों का आंसर आप लोग बताइए यहां पर। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गिफ्ट दिए गए अभी जनरल चांसलर एंजेला मर्केल को, तो दो गिफ्ट दिए गए, ये कौन कौन से गिफ्ट दिए गए, एक तो पेन है, कौन सा पेन है, और एक खादी स्टोल है, ये कहां का है, ये आप लोगों को बताना है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में बात करें, तो इसके द्वारा रिलीज की गई अभी एक रिपोर्ट जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात करती है, तो ये जो रिपोर्ट है इसका टाइटल क्या है, ये आप लोगों को बताना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि
ज्यादा से ज्यादा जनता जो है उनके पास में बैंक अकाउंट हो और बैंकिंग फैसिलिटी को यूज कर पाए, उनके पास में खुद का एटीएम हो, इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हो या फिर और भी जो तमाम सर्विस होती है, इंश्योरेंस वगैरह कराएं जो बैंकिंग सिस्टम होता है उसमें इंक्लूड किया जाए। ये बेसिक फंडा है। अगर बात करें इंडिया के बारे में तो फिफ्थ यहां पर कंड्यूसिव इन्वायरमेंट की बात की जा रही है, जो कि इंक्लूसिव फाइनेंस के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री पांचवें नंबर पर है। तो दो कंट्री यहां पर आप लोगों को बतानी है, टोटल दो ही मैंने आप लोगों को बता दी, कोलंबिया और मेक्सिको। हमारी कंट्री पांचवें नंबर पर है, दो कंट्री और कौन सी है ये आप लोग बताइए। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि रेस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी डेवलपमेंट फ्रेंडली रिलेशन नेशन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये सब चीजें हार्मोनाइज बनाने नेशन के बीच में, तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इतने सारे काम अकेले ही करती है? ठीक है, तो वन मैन आर्मी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये आप लोग को ये बताना है। तो ये थे सारे क्वेश्चन, अब आप लोगों को आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन के आंसर मैच कर अपना स्कोर लिखना मत भूला कीजिए, इससे मुझे भी पता चलता रहता है कि आप लोग कितने पानी में हैं, कितना आप लोग पढ़ रहे हैं और कितना आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, एंजॉय भी कीजिए, उसमें भी उसके लिए मैं मना नहीं करता हूं, अच्छे से एंजॉय कीजिए, एंजॉय करोगे तो तभी तो पढ़ पाओगे। पर लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पढ़ते पढ़ते एंजॉय कीजिए, यानी कि पढ़ाई को भी आप लोगों को मजे मजे में करना है, एंजॉय कर करके करना है, तो फिर देखो लंबे समय तक याद रहेगी और माइंड पर बर्डन भी नहीं बनेगा। ओके, बढ़ते हैं आंसर देख लेते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एंड एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री डेटा के बारे में, तो ये ऑर्गेनाइज जो खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ऑन ट्रेड एंड पॉलिसी, तो इसके द्वारा बोला गया कि 500 बिलियन जो ब्लैक मनी है वो हमारी कंट्री में वापस लाई जाएगी एलिफेंट बॉन्ड के हेल्प से, और यहाँ पर ये स्विस अकाउंट में जो यहाँ पर स्विस बैंक में जो अकाउंट है उसके द्वारा इन्फॉर्मेशन अभी एक्सचेंज भी की गई है। ये याद रखिएगा, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज जो पैक्ट है वो किसके साथ में अभी हमारी कंट्री के द्वारा किया गया, कौन से बैंक के साथ में, तो ये स्विस बैंक है। स्विस बैंक में अपना पैसा क्यों रखते हैं ले जाके, क्योंकि यहां पर टैक्स काफी कम लगता है, तो इसकी वजह से क्या होता है लोगों के ऊपर टैक्स कम लगता है तो पैसा उनका बच जाता है अच्छा खासा, तो टैक्स हेवन कंट्री में इनको बोलते हैं कि टैक्स ज्यादा नहीं देना पड़ता यहां पर। लेकिन पहले तो यहां पर कुछ भी नहीं बताते थे, अब यहां पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर करना स्टार्ट कर दिया है और ओपन इकोनॉमी बनाने के लिए, वरना बहुत सारा पैसा ले जाकर वहां पर रख दिया जाता था जो भी करप्शन का होता था, पॉलिटिशियन एक्टर जो भी खासकर कहीं से पैसा जुगाड़ कर लेता था, यहां पर ना डिटेल पूछते थे, बस एक नंबर आप लोगों को देना होता था, उसके चलते सब कुछ रहता था, आप लोगों की डिटेल भी गुप्त रखी जाती थी यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गिफ्ट किया गया चांसलर एंजेला मार्केल को, एक तो है यहाँ पर लद्दाखी स्टॉल, दूसरा यहाँ पर है यह रतनाम पेन, ये वही पेन है जिसके द्वारा बहुत सारे लेटर महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखे गए आजादी के ड्यूरेशन में, तो यही पेन बेसिकली वो यूज किया करते थे। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर इसके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसका टाइटल है ग्लोबल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। फिफ्थ मोस्ट कंड्यूसिव एनवायरमेंट बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है, ये बात की जा रही है इमर्जिंग कंट्री जो इंक्लूसिव फाइनेंस के बारे में बात करती है, तो सबसे तो यहां पर पहले कोलंबिया, फिर पेरू, फिर उरुग्वे, फिर मेक्सिको और पांचवें नंबर पर है हमारी कंट्री। एक अच्छी एक स्टैंड आप लोग इसको बोल सकते हैं। यूएन है वो एजेंसी जो सारे काम करती है, कैसे शांति बनाकर रखनी है, किस तरीके की कंडीशन को सुधारना है, ये सारे काम यूनाइटेड नेशन के द्वारा किए जाते हैं। ओके, तो ये थे क्वेश्चंस, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन है हमारा ये है नैनो न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें पर लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज, आइए एक एक कर देखते हैं। सबसे पहली जो न्यूज है यहां पर ये बात कर रही है यहां पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के बारे में, इसके अंडर किसके अंडर है यहां पर, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के, इसके द्वारा अनाउंस किया गया कि स्किल बिल्डिंग की जाएगी कोलैबोरेट करके आईबीएम के साथ में। तो जो ये आईबीएम कंपनी है ये मिलकर काम करेगी किसके साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में, ताकि जो स्किल डेवलपमेंट हमारी कंट्री में किया जा सके। स्किल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, मान लीजिए कोई लोग हैं उनको सिखा देना कंप्यूटर कैसे ठीक करते हैं, किसी को सिखा देना भैया साइकिल, किसी को गाड़ी कैसे ठीक करती है ये सिखा देना, तो इससे क्या होगा, लोग बाग कहीं ना कहीं उनको जॉब मिल जाएगी। तो इसके चलते यहां पर ये एक इनिशिएटिव है जो कि आईबीएम और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट यहां पर मिलकर काम कर रहे हैं। ये दो ईयर का एडवांस डिप्लोमा आईटी में यहां पर नेटवर्किंग में और क्लाउड कंप्यूटिंग में इस तरीके से यहां पर डिप्लोमा ऑफर कराया जाएगा, और इसी के साथ में जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है यहां पर और नेशनल स्किल जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो यहां पर इसको ऑफर करेंगे। तो ये जो इनिशिएटिव है आईबीएम ग्लोबल कमिटमेंट का क्रिएट करने के लिए जॉब, खासकर ऐसी वर्कफोर्स तैयार करना जो कि नेक्स्ट स्किल के लिए तैयार हो और एक न्यू कॉलर करियर यहां पर तैयार किया जा सके, यानी कि अच्छे से लोगों को तैयार किया जा सके, हाँ आप लोग आसानी से अच्छा अपनी अर्निंग कमा सकते हैं और एक डिग्निफाइड लाइफ यहां पर एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं आईबीएम के बारे में, तो आईबीएम जो कंपनी है ये यूएसए की कंपनी है, हेडक्वार्टर इसका आप लोगों को यूएसए में देखने को मिलेगा, जो कि हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड ये इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है। जो कि यहां पर अगर इसके बारे में आप लोग बात करते हैं तो ये हमारी कंट्री में 2014 में नई मिनिस्ट्री बनाएगी, क्योंकि स्किल के बारे में बात करते हैं हमारी कंट्री में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चलाया गया, तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत यहां पर लोगों में स्किल होनी चाहिए, तो उसके चलते एक नई मिनिस्ट्री भी यहां पर बना दी गई हमारी कंट्री में। मिनिस्टर कौन है, महेंद्र नाथ पांडे आज की डेट में इसके मिनिस्टर हैं। आईबीएम का जो ग्लोबल कमिटमेंट
है वो मैंने आप लोगों को बताई दिया, इसके हिसाब से काम कर रहे हैं और मिलकर यहां पर कर रहे हैं। और इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर इसके द्वारा फर्स्ट ऐसा जो पहले लॉन्च किया गया था तो सितंबर, तो यहां पर 2018 में भी ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ मिलकर। और फिर से यहां पर और लार्ज स्केल पर इसको करने की बात की जा रही है, तो देखते हैं किस लार्ज स्केल पर दोनों मिलकर काम करते हैं। तो कुछ भी आप लोगों के सामने क्वेश्चन बने तो आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एक तो पहली बात यह कि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, यानी कि हमारी कंट्री में जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहां पर बात की जा रही है एक मेंढक के बारे में। तो ये जो मेंढक है ये रिसेंटली अभी पाया गया है, जो कि पॉलीपेडेट बेंगलिनीज, ये यहां पर बेसिकली एक स्पीसीज है जो कि यहां पर देखने को मिल रही है, उस कैटेगरी में इसको रखा गया है। वेस्ट बंगाल में डिस्कवर किया गया, और जो डिस्कवर भी किया गया यहां पर, ये एक तरीके से रेजिडेंशियल एरिया में यहां पर यह पाया गया है। तो जो यहां पर जुटाक्सा इसके द्वारा रीऑर्गेनाइज कराया गया इंटरनेशनल जर्नल में, यहां पर ये चीजें डिस्कवर जो छापी गई हैं, तो ये बेसिकली क्या है, डिस्कवर जो किया गया यहां पर ये रिकॉग्नाइज किया गया है। हाँ, ये इंटरनेशनल लेवल का एक जर्नल आप लोग बोल सकते हैं, न्यूज़पेपर पत्रिका टाइप में, इसके द्वारा भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इसलिए यहां पर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं, पहले तो बात की जा रही है पॉलीपेडेट बेंगलिनीज, ठीक है। तो यहां पर जो इसका नाम है और इसको आल्सो यहां पर क्या बोला जा रहा है, ब्राउन ब्रोच बेंगाल ट्री फोग, ठीक है। तो इस नाम से भी इसको रख सकते हैं, नाम याद रखते हैं BBB, ठीक है, और TF BBTF, तो शॉर्ट फॉर्म में आप लोग देख लीजिएगा, अगर कुछ ऐसा लिखा मिले आप लोग इसको याद रख पाएंगे। देखिए एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर होता है तो याद नहीं रख पाते हैं कई बार चीजें, तो उल्टे सीधे ऐसे एक्रोनिम बना लिया करो जो कि आप लोग इसको रिकॉग्नाइज कर सको एग्जाम के ड्यूरेशन में, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी नाम BBT या फिर कुछ भी, अगर यहां पर जो बीच वाला शब्द है तो थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा है, ठीक है। तो ब्लोस्ट करके कि कुछ ऐसा शब्द था, यहां पर ट्री के बारे में बात की जा रही है कि मेंढक ट्री पर चढ़ रहा है, ऐसा मेंढक है यहां पर ये, तो कुछ भी ऐसा कनेक्शन अगर आप लोग इसके साथ लगा लेंगे तो क्वेश्चन जैसे एग्जाम में देखेंगे आप लोगों को एकदम याद आ जाएगा वहां पर। और कहां कहां पर ये बंगाल में पाए गए, एक तो मैंने आप लोगों को बताया रेजिडेंशियल एरिया में पाए गए, तो यहां पर ये है बादू नॉर्थ परगना 24, जो यहां पर नॉर्थ 24 परगना जो डिस्ट्रिक्ट है, और दूसरा यहां पर कोडनहाला, ठीक है, ये है साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट। तो यहां पर दो डिस्ट्रिक्ट में ये बेसिकली इसको देखने को मिला है, येलोइश ब्राउन और गिनिस, जो ब्राउन कलर आप लोगों यहां पर इसका नजर आएगा, ओके। और यहां पर हमारी फैमिली मेंबर के द्वारा भी, एक के द्वारा बताया गया था कि ये मेंढक मैंने भी देखा है, यानी कि जो खासकर उस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, कई सारे बच्चों के द्वारा कमेंट भी किया गया था। चलिए अच्छी बात है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है यहां पर, ये है यूनियन लेबर मिनिस्ट्री की साइड से। तो पहले तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि ये स्टेप किसके द्वारा उठाया गया है, तो यूनियन लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा मिनिमम मंथली वेज की बात की जा रही है 9750। तो यहां पर 9750 जो यहां पर डिसाइड की गई है, ये 7 पैनल मेंबर के द्वारा, इसमें हाउसिंग अलाउंस भी ऐड किया गया है। किसके लिए ये किया गया, सिटी बेस्ड जो वर्कर है उनके लिए, यहां पर 1430 हाउसिंग अलाउंस भी यहां पर ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर अनाउंस किया जाता है। मिनिमम वेज का मतलब बेसिकली यही होता है कि इससे नीचे आप लोगों को काम नहीं करना है, इससे नीचे आप लोगों को वेज नहीं लेनी है, कम से कम ये डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए कम से कम इतना पैसा आप लोगों को वर्कर को देना पड़ेगा। इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। हमारी कंट्री के जो स्पीकर कौन है लोकसभा में, इनका नाम है ओम बिरला, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, ओम बिरला साहब जो है उनके द्वारा अभी 6th पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट हुई, कहां पर हुई है, ये हुई जापान के अंदर टोक्यो में। तो ये जो समिट है ये G20 जो कंट्री है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज कराएगी, तो G20 कंट्री की जो 20 कंट्रीज हैं उनके जो स्पीकर हैं वो सारे यहां पर मिले। ये समिट जो है ये प्रिजाइड जो की जा रही है, यहां पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है कंट्री के, उनकी पार्लियामेंट्री समिट है G20 कंट्रीज की। इसके बारे में आप लोग एक बार देख लीजिए, G20 के बारे में अगर बात करते हैं तो G7 और G8, जिसको पहले G8 बोलते थे, आज के में G7 है, क्योंकि रशिया बाहर निकल गया था 2014 में क्रीमिया इशू की वजह से, क्रीमिया इसने हड़प लिया तो यूरोपियन कंट्री गुस्सा हो गई, तो इसको बाहर निकाल के फेंक दिया, तो G8 G7 बन गया। तो G7 कंट्री कौन सी है, जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, USA, इटली और जापान। इसके साथ में मिलकर और कौन सी कंट्री है, तो सबसे पहले तो अपनी प्यारी कंट्री है इंडिया, फिर यहां पर बात की जा रही है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, चाइना, ब्राजील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, अर्जेंटीना, यूरोपियन यूनियन और तुर्की। तो टोटल मिलाकर ये 20 कंट्री हैं, ये 20 कंट्री के जो स्पीकर हैं यहां पर, जो भी इनकी कंट्री में स्पीकर होते हैं और हमारी कंट्री के, वो सब यहां पर मिले। आज के जो चेयरपर्सन है G20 के वो किसके पास में है, ये है यहां पर शिंजो एबे जी के पास में, जो कि आज के उसके जो जापान के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। और ये यहां पर अगर बात करें यहां पर, ये 1999 में यहां पर इसको स्टार्ट किया गया था, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 19 तो कंट्री है इसमें और यूरोपियन यूनियन है। तो अगर आप लोगों से कोई कंट्री पूछे कितनी है इसके अंदर, तो कंट्री आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि 28 तो यूरोपियन यूनियन के अंदर ही होगी, ठीक है, पर लेकिन 28 होगी इसमें से, आप लोगों को कुछ यहां पर वैसे ही नजर आ जाएगी, जैसे कि आप लोग देखते हैं फ्रांस हो गया, ठीक है ना,
जर्मनी हो गया, तो ये ऐसे हैं। तो टोटल मिलाकर कुछ यहाँ पर आप लोगों को 19 से ज्यादा हैं कंट्री, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। बाकी इसमें बहुत सारी कंट्री हैं यूरोप की, तो कितने यहाँ पर कॉमन हो गए, बाकी की जो बच गई हैं वो यहाँ पर आप लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके द्वारा यहाँ पर ये कंडक्ट कराया गया पार्लियामेंट्री जो समिट है, ये अनऑफिशियली P20 इसको बोला जा रहा है। जैसे G20 हो गए यहाँ पर, ये P20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर की पार्लियामेंट्री जो समिट है, इसको P20 बोल दिया इनके द्वारा। तो अगर कोई P20 आप लोगों के सामने कुछ बोलने लगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, G20 से मिलती जुलती चीज है ये। अगर अगर आगे बात करें तो इंटर पार्लियामेंट्री जो यूनियन है, जिसको IPU आप लोग बोलते हैं, इंटरनेशनल गवर्नेंस जो हेडक्वार्टर जनेवा में है, और हाउस ऑफ काउंसिलर ऑफ नेशनल डाइट ऑफ जापान, डाइट यहां पर इसकी पार्लियामेंट को बोलते हैं जापान की। जैसे हमारी कंट्री में आप लोग सांसद बोलते हैं, जो संसद बोलते हैं ना, संसद भवन, तो उसी तरीके से यहां पर डाइट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होता, ये इसको होस्ट कर रहे हैं मिलकर यहां पर IPU, और यहां पर जो डाइट है इसके काउंसिलर जापान के, वो मिलकर यहां पर इसको होस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में। तो ये जो एस्टेब्लिश की गई थी 1889 में, यहाँ पर इसको बनाया गया था। तो यहाँ पर ये 1889 में इसको बनाया गया था। बेसिकली हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, ये है स्विट्जरलैंड के जनेवा के अंडर में। जो इसके प्रेजिडेंट है ये है यहाँ पर गैरबिला क्यूवास बैरन, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके आज के में प्रेसिडेंट है, तो बनाया यहाँ पर इसको ये गया था, सेक्रेटरी जनरल कोई नहीं यहाँ पर, ये प्रेसिडेंट कम से कम आप लोग याद रखिएगा। बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी प्रेजेंस आप लोगों को नजर आएगी। और नेशनल डाइट मैंने आप लोगों को बताई दिया, ये एक तरीके से बाइकैमरल लेजिस्लेचर है यहाँ पर जापान के अंदर में, जिसको ये डाइट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर, ये फर्स्ट एवर आर्ट एक्सपोजिशन जो फॉर टैलेंट विद इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस, जिसको ECAPA बोला गया है। तो ये आर्ट एग्जीबिशन है। अगर आप लोगों से पूछे जो यहाँ कैपिटल, ये यहाँ पे स्मॉल रहेगा ई, तो ECAPA 2019, तो क्या है ये, तो एक आर्ट एग्जीबिशन आप लोग बोल सकते हैं, जो रिसेंटली अभी न्यू दिल्ली में इसको इनोग्रेट किया गया। तो यहाँ पर बेसिकली फंडा यही है, इस तरीके से जो टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल जो चीजें हैं उनको कैसे दिखाया जा सके और कैसे यहाँ पर प्रस्तुत किया जाए इसको। तो 14 नवंबर तक यहाँ पर ये बेसिकली कंटिन्यू रहेगा। अगर आप लोग दिल्ली आसपास में रहते हैं तो आप लोग जाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है, बेसिकली देखिए एक तरीके से डाउन सिंड्रोम को कम करने की भी कोशिश यहाँ पर की जाती है। कुछ ऐसे आर्टिस्ट जो कि किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, ठीक है, तो ऑटिज्म की बीमारी होती है, मेंटल रिटार्डेशन की देखने को मिलेगा, तो कई सारे ऐसे डिसऑर्डर आप लोगों को देखने को मिलेगा, डायलेक्सिया यहाँ पर नजर आता है। तो ये सारी जो कई सारी जो बीमारी है, कैसे उनको टैकल किया जा सकता है, बेसिकली अगर इस तरीके के पर्सन के अंदर कोई टैलेंट है तो उनको दिखाने की कोशिश की जाती है। तो एक तरीके का प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, जो कि कुछ ऐसे लोग एडल्ट ऐसे जो कि चैलेंज फेस कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी, किस तरीके से यहाँ पर वो आकर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। तो ड्राइंग की फॉर्म में या फिर डांस की फॉर्म में, म्यूजिक की फॉर्म में, पेंटिंग की फॉर्म में, जैसे भी ये अपना अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर निकाल के लेकर आ सकते हैं, उस फॉर्म में उसको दिखा सकते हैं। अगर क्लासिकल डांस की बात करें तो याद रखिएगा, हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 8 क्लासिकल डांस बोले जाते हैं। भरतनाट्यम, कथक हो गया, ये हो गया कथकली, कुचिपुड़ी हो गया, ये हो गया मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, उड़ीसी, और यहाँ पर ये हो गया सतारिया, ठीक है। भी तो ये इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, क्लासिकल डांस है टोटल, जिनको 8 क्लासिकल डांस आप लोग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ से एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है, कई बार ये मैच करने के लिए आप लोगों से पूछ ले जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर कथक के बारे में बात करें तो ये आप लोगों को उत्तर प्रदेश में नजर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें अगर कथकली की, तो ये केरला में नजर आएगा। कुचिपुड़ी आप लोगों को आंध्र प्रदेश में नजर आएगा। उड़ीसी तो उड़ीसा के नाम से आप लोग समझ सकते हैं। सतारिया ये कई बार पूछा जाता है, ये आसाम में नॉर्थ ईस्ट से निकलकर यहाँ पर आ रहा है। मणिपुरी आप लोग देख ही सकते हैं, मणिपुर के नाम पर है। तो इस तरीके से इनके बारे में याद रखते हैं। तो मोहिनीअट्टम कहाँ पर हो गया, जो मोहिनीअट्टम है ये केरला के अंदर नजर आएगा। केरला के अंदर दो हो गए, एक तो कथकली हो गया और दूसरा मोहिनीअट्टम हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग कई बार हो जाता है, तो ये आप लोग एक कॉपी रखा कीजिए A4 साइज की शीट और सामने लिखकर इनको लगा लिया कीजिए, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे और सारी माइंड में क्लैरिटी रहे। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहाँ पर एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात की जा रही है, जो कि हमारे पड़ोसी देश के बारे में है, USA। यहाँ पर बांग्लादेश में आकर यहाँ पर ये एक एक्सरसाइज करता है, जो कि नेवी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या है, CARAT, ठीक है। तो ये इसका नाम है, जिसको कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग के नाम से इसको जानते हैं। 2019 का जो एडिशन है अभी बांग्लादेश में, चितगोंग जो स्टडी है, चितगाम या फिर चितगोंग आप लोग बोल सकते हैं, ये यहाँ पर देखने को मिली। ईयरली एक्सरसाइज है जो यहाँ पर अभी रिसेंटली बेव बंगाल में देखने को मिल रही है। फर्स्ट एडिशन इसका 2011 में स्टार्ट किया गया था दोनों कंट्री के बीच में। और कहीं ना कहीं जो ऐसी एक्सरसाइज ये कंडक्ट कराई जाती है, चाइना का जो वर्चस्व है यहाँ पर खासकर इस पर्टिकुलर रीजन में, उसको टैकल करने की भी कोशिश की जाती है, ताकि चाइना के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी लोगों की न देखने को मिले, ठीक है।
और हाँ, जो म्यूजिक कार्ड के बारे में बात कर रहे थे उससे रिलेटेड छोटी सी न्यूज और है यहाँ पर। म्यूजिक फॉर्म इन इंडिया में अगर आप लोगों से कोई बात करें तो आर्ट म्यूजिक हो गया, एक डिविजनल म्यूजिक हो गया, फोक जो डांस हो गए, लोकल डांस आप लोग बोल सकते हैं, और पॉपुलर म्यूजिक हो गया। इस तरीके से डिवाइड कर रखे हैं। आर्ट म्यूजिक के बारे में बात करें तो इंस्ट्रूमेंटल हो गया और वोकल हो गया, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर डिविजनल के बारे में तो भक्ति हो गया और कवाली हो गया, ये कई बार आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। अगर बात करें तो फोक तो ही हो गया, लोकल वाला हो गया। पॉपुलर के बारे में बात करें तो फिल्म म्यूजिक हो गया, गजल हो गया और पॉप म्यूजिक हो गया। तो ये अलग अलग म्यूजिक फॉर्म है जो आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। बोलते हैं ना कवाली सुनी और बड़ी अच्छी लगी, भक्ति सुनी और फिल्म पॉप या गजल, इनमें से कौन सा आप लोगों को पसंद है? इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में अगर बजाया जाता है जिसमें कोई आवाज नहीं होती है, बस इंस्ट्रूमेंट बजता है, या फिर जो गाना गाते हैं, भक्ति अगर कोई आती है, कवाली आती है, फिल्म म्यूजिक पसंद है, गजल या फिर पॉप म्यूजिक, आप लोगों की क्या चॉइस है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो यहां पर आप लोग बता सकते हैं कौन सा नंबर है आप लोगों का जो म्यूजिक के फॉर्म में आप लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज है, यहाँ पर ये बात की जा रही है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में। आप लोगों को पता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के चलते दिल्ली की जो एयर है वो काफी खतरनाक लेवल पर पहुंच गई, तो उसी के चलते यहाँ पर पोल्यूशन की वजह से जो प्रॉब्लम निकल कर आई, तो अभी यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी डिजीज इन्फेक्शन निकल के आ रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। ये बेसिकली हमारी कंट्री में जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके द्वारा यहाँ पर इसको चेक किया गया और ये प्रस्तुत किया गया, जिसको नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के नाम से बोला गया। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये यहाँ पर रिलीज की गई है, जो कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ARI अकाउंट करता है यहां पर 69.47%, जिसकी वजह से यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिली 2018 में। ये आप लोगों के सामने निमोनिया 1.4 है, ट्यूबरक्लोसिस 1.7 है। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर, यह है एंट्रिक फीवर यहां पर 3.82 है, जिसको आप लोग टाइफाइड के नाम से भी जानते हैं। एक्यूट डायरिया जो देखने को मिलेगा ये 21.83 है। ये यहां पर जो ARI बोला गया है, जिसको एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बोला गया है, ये 70 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो सबसे ज्यादा है। मलेरिया और अदर डिजीज भी इतना नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा वो जो बर्डन अभी देखने को मिल रहा है ये इसी की वजह से देखने को मिल रहा है, और कई सारी बीमारी लग जाती है। तो यहां पर 2018 का डेटा आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है अलग अलग डिजीज में, खासकर कम्युनिकेबल कैटेगरी की डिजीज आती है, कम्युनिकेबल डिजीज इनको बोलते हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये यहाँ पर लार्ज नंबर जो पेशेंट है यहाँ पर देखने को मिले, जिनकी जान भी गई है कई होगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया ARI यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है यहाँ पर, ये सीरियस एलिमेंट हो चुका है आज के दिन। ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है, कई सारे लोग ही जान जाती है। 2.6 मिलियन जो चिल्ड्रन है एनुअली वर्ल्ड वाइड इसकी वजह से प्रॉब्लम में पड़ते हैं, यानी कि कईयों की इसकी वजह से जान जाती है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड का भी डेटा आप लोगों के सामने है यहाँ पर, तो इससे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कितने खतरनाक लेवल की ये प्रॉब्लम मार्केट में हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में। यहां बात की जा रही है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम है विनायक राव भावे। विनायक राव भावे आप लोगों ने ज्यादा नहीं सुना होगा, आचार्य विनोबा भावे का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ये इन्हीं का नाम है, ठीक है। तो एक ही इंसान के दो नाम है यहां पर। ये फर्स्ट इनको मिला यहां पर अगर बात करें रमन मैगसेसे अवार्ड, जो कम्युनिटी लीडरशिप के लिए 1958 में, ये जो अवार्ड इनको दिया गया क्योंकि आप लोगों को बताया गांधी जी के द्वारा जो मूवमेंट चलाए गए थे आजादी के बाद में, गांधी जी तो चले गए तो इसलिए इनको गांधी जी का स्पिरिचुअल सक्सेसर भी बोला जाता है, यानी कि गांधी जी के बाद में जो किसी इंसान ने चीजों को आगे लेकर चले तो वो विनोबा भावे हैं। इनको भारत रत्न भी दिया गया हमारी कंट्री में, और इसी के चलते इनके द्वारा जो बेस्ट जो मूवमेंट जो चलाया गया, ये कई बार आप लोगों से पूछा जाता है, ये भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट क्या था? जिन लोगों के पास में ज्यादा जमीन है वो अपनी कुछ जमीन वहां से निकालकर ऐसे लोगों को दे दें जिनके पास में जमीन नहीं है, वो खेती करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि खेती करते रहते हैं भूमिहीन किसान, तो उनको देने की बात की गई। तो इनके द्वारा ये मूवमेंट हमारी कंट्री में चलाया गया, जो यहाँ पर ये मूवमेंट चलाया गया इसके चलते बहुत सारे एरिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ, हालांकि ये खासकर केरला और वेस्ट बंगाल के अंदर तो इसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ा और ज्यादा एरिया पे इसका इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। जमीन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री में, संविधान के हिसाब से माने तो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है 7th शेड्यूल में ये, और इसको इज्जत बेइज्जती के तरीके से भी जमीन को हम लोग देखते हैं। आप लोगों को पता है, इसे मैंने बताया भी था, शादी विवाह के मामले में पूछेंगे कि लड़के के हिस्से में जमीन कितनी आती है, तो आज की डेट में भी यहाँ पर ये कंडीशन हमारी कंट्री में देखने को मिलती है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये प्रॉब्लम निकल कर आती है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन, अभी आप लोगों के सामने क्विज आएगा, उसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। नेशनल लीगल सर्विस डे के बारे में डिटेल में जाना, क्विज का आंसर काफी अच्छे से आंसर आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने जो हमारी लेबर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा क्या बोला गया मिनिमम वेज के बारे में वो समझा। नेक्स्ट यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल है और IBM मिलकर काम कर रहे हैं, तो डिटेल में जाना इनके बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की मेंढा ग्रुप से रिलेटेड कुछ बातें, क्या क्या बातें, क्या क्या चीजें हैं वो जाना। इसके साथ में एक इंडिया वो सॉरी USA और बांग्लादेश के बीच में नेवल एक्सरसाइज के बारे में जाना। G20 से रिलेटेड क्या क्या बातें थी वो सारी समझी, और क्या क्या कंडीशन
यहाँ पर बन रही है वो सारी डिटेल में हम लोगों ने बातें जानी। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने देखा एक एग्जीबिशन के बारे में बात की और डिटेल में समझा कौन कौन से डांस हैं और कौन कौन सी फॉर्म ऑफ म्यूजिक आप लोग इंडिया में देखते हैं वो भी सारी चीजें हम लोग जानी। नेक्स्ट जो हम लोगों ने बात की यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर ARI के बारे में जो डेटा प्रस्तुत किया गया उसके बारे में जानने को मिला। इसके अलावा विनोबा भावे जी के बारे में जाना और अब आप लोगों के सामने आज का क्विज ये आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पर बात की जा रही है मिनिमम मंथली वेज 9150 यानी कि 9750 देने की बात की जा रही है। तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर बेसिकली ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाई गई है ताकि जो सिटी बेस्ड वर्कर है उनकी हालत थोड़ी सुधारी जा सके। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है जो कि IBM के साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है ब्राउन ब्लोस्ट जो बंगाली ट्री फ्रॉग है ये अभी आप लोगों को जो देखने को मिला ये पर्टिकुलर जो यहाँ पर अभी जो जगह है ये कौन से राज्य के अंदर है जहां पर ये मेंढक दो जगह पाया गया है। US बेस जो यहां पर बांग्लादेश नेवी दोनों की जो एक्सरसाइज अभी देखने को मिली जिसको CARAT बोला गया तो ये कहां पर देखने को मिली किस कंट्री में अभी नजर आई। लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला साहब है यहां पर ये रिसेंटली अभी 6th पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट में गए G20 की तो कहां पर ये हो रही थी ये बताना है आप लोगों को। ECAPA जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे यहां पर ये था एक तरीके का फर्स्ट एवर आर्ट एक्सपोजिशन फॉर टैलेंट विद इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस तो यहां पर इनके बारे में बात की गई तो ये अभी रिसेंटली कहां पर इनॉग्रेट किया गया। आचार्य विनोबा भावे ये किसके सक्सेसर माने जाते हैं हमारी कंट्री में। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ आज थोड़ा बहुत जरूर नया सीखा होगा कुछ तो इसी तरीके से सीखते रहिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए। अगर आप लोगों को लेक्चर से जरा सा भी फायदा होता है तो आप लोग इसको चीजों को शेयर कर सकते हैं या तो खुद किसी को पढ़ा दीजिए या फिर लेक्चर को शेयर कर दीजिए जैसा भी आप लोगों को सुटेबल लगे। अगर पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं पसंद नहीं आते तो डिसलाइक करने का पूरा हक है। नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर बताइए डिसलाइक क्यों किया है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते छोटों को प्यार छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार तब तक के लिए जय हिंद।